नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। दोस्तों, भारत दो ऐसे पड़ोसियों के बीच रहता है जिनकी महत्वाकांक्षा हमेशा से ही भारत की ज़मीन को हड़पने की रही है, और हाल के दिनों में ये अपने मकसद को लेकर कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो गए हैं, और वक्त आने पर ये दोनों पड़ोसी भारत पे एक साथ हमला भी कर सकते हैं। ऐसे तो भारत को इस बात का हमेशा से ख्याल रहा है कि भविष्य में अगर कभी भी चाइना या पाकिस्तान के साथ कोई फुल फ्लेज वार होता है तो ये दोनों ही देश भारत के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। तो ऐसे में हम आज की इस वीडियो में भारत के 5 ऐसे ब्रह्मास्त्रों के बारे में जानेंगे जिनका जवाब चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास नहीं है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पर भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड विषयों पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस क्लास में भारत के पास 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं। इस डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खूबी है इसकी लैंड अटैक कैपेबिलिटी, मॉडर्न सेंसर्स, एडवांस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर सूट और इसका एडवांस्ड वेपन सिस्टम। इसका स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट है 7,500 टन और लोडेड डिस्प्लेसमेंट है 8,200 टन। ये इंडियन नेवी द्वारा निर्मित पहला स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है और अब तक बनाए गए सारे डिस्ट्रॉयर्स में से बड़ा है। इसकी कुल लंबाई है 163 मीटर, बीम है 17.4 मीटर और ड्राफ्ट है 6.5 मीटर, और इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है। इस डिस्ट्रॉयर की रेंज है तकरीबन 15,000 किलोमीटर। कोलकाता क्लास में इसराइल का MF स्टार मल्टी मिशन एसा रेडार लगा हुआ है। ये रेडार एक साथ 12 टारगेट्स को हिट करने के लिए 24 मिसाइल को गाइड कर सकता है। MF स्टार रेडार बड़े एरियल टारगेट्स को 300 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है, और सी स्किमिंग मिसाइल यानी बहुत नीचे से उड़ने वाले मिसाइल्स को 25 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें फ्रांस का थेल्स LW08 लॉन्ग रेंज वॉल्यूम सर्च रेडार भी लगा हुआ है। वेपन सिस्टम की बात करें तो सरफेस टू एयर कैटेगरी में इसमें बराक 8 मिसाइल लगे हुए हैं, जिसे इंडिया और इसराइल ने साथ मिलकर बनाया है। इसकी रेंज तकरीबन 90 किलोमीटर की है और ये बहुत ही नीचे से उड़ने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सकता है। बराक 8 के 32 मिसाइल्स इस डिस्ट्रॉयर के 8 सेल वाले 4 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में लगते हैं। मेन एंटी सबमरीन वेपन्स की बात करें तो इसमें 533 mm के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं, जो कि लॉन्ग रेंज के हैवी वेट टॉर्पीडोज को लॉन्च कर सकता है। टॉर्पीडोज के अलावा इस शिप में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर के लिए भी हैंगर्स बने हुए हैं। कोलकाता क्लास की मेन वेपन सिस्टम है ब्राह्मोस सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जिनके लिए 16 लॉन्चर मॉड्यूल बने हुए हैं। इन सब के अलावा इस डिस्ट्रॉयर में इटली की एक ओटो मिलारा 76 mm गन लगा हुआ है और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं। अगर हम हमारे दुश्मनों की बात करें तो पाकिस्तान के पास एक नॉर्मल डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर तो दूर की बात है। अगर बात चाइना की करें तो हमारे डिस्ट्रॉयर के वेपन सिस्टम के आगे चाइनीज डिस्ट्रॉयर के वेपन सिस्टम की रेंज और क्वालिटी बहुत ही कम है। रडार की बात करें तो चाइनीज रडार टेक्नोलॉजी इजरायली और फ्रेंच टेक्नोलॉजी से काफ़ी साल पीछे है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने के साथ ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। चाइना के पास इस डिस्ट्रॉयर की तुलना में कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। INS विक्रमादित्य को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इससे पहले भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत और INS विराट को भी ऑपरेट किया है। भारत को 1961 से ही एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल करने का अनुभव है। INS विक्रमादित्य में कुल 36 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। भारत MiG-29 को इस्तेमाल कर रही है। वहीं चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 2012 में इंडक्ट किया गया था,
जिसका नाम है लाउनी, और इनका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग को 2019 में कमीशन किया गया था। चाइनीज नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करने का एक्सपीरियंस भारत की तुलना में बहुत ही कम है, और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स कभी किसी युद्ध में भी शामिल नहीं हुए। चाइना इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पे अपने J-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता है, जो कि रशिया के SU-33 को कॉपी करके बनाया गया है। J-15 का इंजन भारत के MiG-29 से काफ़ी कमज़ोर होने के कारण इसके पास ना ही ज़्यादा लोड ले जाने की कैपेसिटी है, ना ही इसके पास अच्छा रेंज है, और ना ही इसके मिसाइल सिस्टम्स MiG-29 के बराबर के हैं। भारत 2021 के अंत तक अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इंडक्ट करेगा, और 2025 तक इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 से भी ज़्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट्स तैनात किए जाएंगे। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो जो देश एक डिस्ट्रॉयर को रखने की क्षमता ना रखता हो, उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर रखना एक नामुमकिन वाली बात है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके 70 सालों का अनुभव और इसमें इस्तेमाल किए जा रहे एयरक्राफ्ट भारत को चाइना के मुकाबले बहुत ही मजबूत बना देती हैं। रफाल के आने से पहले SU-30 MKI भारत का फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करता था, और संख्या के हिसाब से 275 SU-30 MKI को अभी भी फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। पर कैपेबिलिटी के हिसाब से रफाल एक एडवांस्ड ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसकी खासियत है इसकी हाईली कैपेबल एसा रेडार सिस्टम, स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इसका आर्म्स पैकेज। रफाल का स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके तरफ आ रहे किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट करके अपने आप से उस थ्रेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम या नष्ट कर देता है। इसका मतलब ये कि रफाल अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। इसके अलावा रफाल में लगा एसा रेडार एक सुपीरियर बीम एजिलिटी और शक्तिशाली कंप्यूटिंग पावर के साथ आता है, जो इसे दुनिया का बेस्ट रेडार बना देता है। बात करें वेपन सिस्टम की तो रफाल में ऐसे तो बहुत सारे रेंज के मिसाइल्स लगते हैं, पर इन सब में खास है मीटियोर मिसाइल। मीटियोर मिसाइल की रेंज है 150 से 200 किलोमीटर तक, और ये Mach 4 की स्पीड से उड़ता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है इसका सेल्फ स्पीड कंट्रोल और नो एस्केप जोन। मीटियोर मिसाइल अपनी स्पीड और डायरेक्शन को लॉन्च करने के बाद बीच रास्ते में अपने टारगेट के स्पीड के हिसाब से कंट्रोल कर लेता है, और अपने आप से टारगेट के डायरेक्शन में मनूवर भी कर लेता है। मीटियोर की सबसे घातक क्वालिटी है इसका नो एस्केप रेंज। 60 से 80 किलोमीटर की रेंज में अगर किसी टारगेट को इसके रेडार पर लॉक कर दिया जाए तो उस टारगेट का बचना नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान के पास रफाल के मुकाबले कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। अगर चाइना की बात करें तो उसका बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट J-20, जिसे चाइना 5th जनरेशन का बोलता है, वो एक 3rd जनरेशन वाले इंजन से लैस है, और उसका पावर, रेडार या रेंज रफाल से काफ़ी पीछे है। ASAT मिसाइल को DRDO द्वारा एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत बनाया गया था, जिसका नाम था मिशन शक्ति। इसे पहली बार 27 मार्च 2019 में टेस्ट किया गया था। ASAT की नींव 2007 में चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते हुए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को काउंटर करने के लिए रखी गई थी, पर तब की तत्कालीन गवर्नमेंट्स ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ने नहीं दिया। पर आखिरकार 2016 में आई नई सरकार ने इस प्रोग्राम को शुरू करने की अनुमति दी। भारत ने अपने इस मिसाइल को दुश्मन देश से आ रहे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने या मार गिराने के लिए बनाया है, जो कि काफ़ी ऊंचे एल्टीट्यूड में उड़ते हैं। इसके अलावा इस मिसाइल से लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट को भी मार के नष्ट किया जा सकता है। अगर हम DRDO से आई रिपोर्ट को देखें तो ये मिसाइल 1200 किलोमीटर ऊंचाई पर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ रहे टारगेट को भी मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी 10 सेंटीमीटर से भी कम बताई गई है, जो कि दुनिया की सभी ASAT मिसाइल की तुलना में बेस्ट है। ASAT मिसाइल की लंबाई है 13 मीटर और इसकी चौड़ाई है 1.4 मीटर। ये एक 3-स्टेज मिसाइल है, जिसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर लगे हुए हैं
और एक किल व्हीकल लगा हुआ है। एसैट मिसाइल द्वारा हम दुश्मन देश के कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे टारगेट्स को मार गिरा सकते हैं, जिससे उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो सकता है। आज के ज़माने में हर देश ना सिर्फ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, जैसे कि बैंकिंग, टेलीफोन, इंटरनेट के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है, बल्कि मिलिट्री में इस्तेमाल किए जा रहे अत्याधुनिक वेपन्स भी इन सैटेलाइट की मदद से ही काम करते हैं। ऐसे में अगर किसी के पास सैटेलाइट को मार गिराने की शक्ति हो, तो वो देश अपने आप में ताकतवर बन जाता है। ब्राह्मोस एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे रशिया और भारत ने मिलकर बनाया है। ब्राह्मोस को सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है, और ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ब्राह्मोस दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्राह्मोस मार्क 4 की स्पीड से उड़ता है और इसे मार्क 5 की स्पीड से उड़ने के लिए अपग्रेड भी किया जा रहा है। ब्राह्मोस स्टेल्थ फीचर के साथ भी आता है, जिससे कि दुश्मन देश के रेडार इसे आसानी से देख नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, ये लैंड टारगेट को सिर्फ 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए भी हिट कर सकता है। इतनी नीचे से उड़ने के कारण ये किसी भी रेडार या एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है। ब्राह्मोस की रेंज 500 किलोमीटर तक है और अब इसके रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। ब्राह्मोस को सुकोई 30 MKI से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे कि इसकी रेंज काफ़ी बढ़ जाती है। ब्राह्मोस को सुखोई से लॉन्च करने पर सुखोई और ब्राह्मोस दोनों की क्षमता दोगुनी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये 5 के अलावा भारत के पास ऐसे और भी काफ़ी सारे हथियार हैं, जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने के उतने ही बड़े हकदार हैं जितने कि अभी बताए गए 5 हथियार हैं, जिनमें से खास कर हैं अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और ब्राह्मोस से लैस सुकोई 30 MKI, जो कि दुश्मन पे उतने ही असरदार हो सकते हैं जितने कि आगे बताए गए 5 हथियार। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।